गाइज, हाय, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी गाइज, मैं इधर कोई भी वीडियो आपके लिए नहीं लेके आ पाई, बिकॉज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, मुझे फीवर था, वीकनेस थी, सो मैं इधर थ्री से फोर डेज में कोई भी वीडियो आपके लिए लेके नहीं आ पाई हूँ। सो प्लीज अगेन आई एम वेरी वेरी सॉरी। आज का जो मैं वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आज आपके लिए अपने एम्प्टी प्रोडक्ट्स लेके आई हूँ जो मैं यूज कर चुकी हूँ। इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें मैं रिपर्चेज करूंगी और इनमें से कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मैं रिपर्चेज नहीं करूंगी। सो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन से प्रोडक्ट परचेज करूंगी, कौन से प्रोडक्ट नहीं परचेज करूंगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो से नोटिफाई रहें। सो लेट गेट स्टार्टेड। ओके, फर्स्ट जो मैं प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करूंगी वो है ये गुड वाइब्स का लेवेंडर एंड मिंट रिफ्रेशिंग फेस मिस्ट। देखिए पूरा फिनिश है, ये आप देख सकते हैं कहां से। यस, फिनिश है, कुछ भी नहीं है, पूरी एम्प्टी कर चुकी हूं मैं इसको। ये जो रिफ्रेशिंग फेस मिस्ट है, इससे मतलब हमें फेस मिस्ट हमें यूज करने चाहिए, मतलब हम डे टाइम में मतलब कभी भी हर टू आवर्स में अपना फेस मिस्ट यूज कर सकते हैं। हमें रिफ्रेशमेंट फील कराता है और हम मतलब हमारी स्किन को ग्लोइंग करता है और काफी बेनिफिट्स होते हैं। सो लेकिन मैं इस प्रोडक्ट के बारे में कहना चाहूंगी कि मैंने इसको यूज किया है, हाँ अच्छा है, मुझे ठीक लगा, पसंद आया, बट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा कि मैं सोचूंगी इस बारे में कि मैं इसको फिर से रिपर्चेज करूं या ना करूं। अभी तक तो मैंने नहीं किया है, काफी टाइम हो चुका है इसको एम्प्टी हुए हुए। सो शायद मैं करूं या ना करूं, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं इस प्रोडक्ट के बारे में, बट प्रोडक्ट ठीक है, बहुत लैवेंडर की बहुत ही माइल्ड सी फ्रेग्रेंस आती है, पूरा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, नो पैराबिन, नो सल्फेट्स और क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है। सो आप लोग इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, मैं इसके बारे में थोड़ी सी कंफ्यूज हूं। ओके, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो मेरा है बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा बायो कुकुम्बर पोर टाइटनिंग टोनर विद हिमालयन वाटर फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन, फॉर ऑल स्किन टाइप्स है ये। ये इस तरीके की आउटर पैकेजिंग है इसकी, इसमें सारे पूरे पीछे इंग्रेडिएंट्स मेंशन्स होते हैं, सॉरी मेंशन होते हैं मेंशन्स। ओके, और ये देखिए मैंने पूरा फिनिश, एक ही मैंने फिनिश नहीं किया है गाइज, मैं आपको बता देती हूँ, मैंने इसकी कई बॉटल्स फिनिश की हुई हैं। मैं ये मेरा बहुत ही टॉप फेवरेट, बहुत ज्यादा फेवरेट प्रोडक्ट है, मैं इसे कभी भी फिनिश नहीं होने देती हूँ। लाइक इतना सा भी होता है तो मैं तुरंत ऑर्डर कर देती हूँ और इसका स्टॉक मेरे पास पहले से ही बना रहता है। बहुत अच्छा टोनर है, मैं इसको हाईली रिकमेंड करती हूँ, आप लोग भी इसे ट्राई करिए और ये समर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसे ड्राई स्किन वाले, ऑयली स्किन टाइप्स एंड कॉम्बिनेशन सारे स्किन वाले इसको ट्राई कर सकते हैं, लगा सकते हैं, बहुत अच्छा टोनर है। यस, और इसका मैंने आपको बता दूं, मेरे पास एक अभी इसका इतना रखा हुआ है और मैंने एक ऑर्डर भी कर दिया है। ओके, देन नेक्स्ट जो मेरा प्रोडक्ट है वो है ये तो विंटर, ये एक्चुअली में ये विंटर प्रोडक्ट है और ये है सेंट डिवेंस का मॉइस्चराइजर अल्ट्रा नरिशिंग बॉडी लोशन विंटर एडिशन है। ये टी ट्री ऑयल, शिया बटर, ऑलिव ऑयल एंड आमंड ऑयल है। ये ड्राई स्किन वालों के लिए, बट ये ड्राई स्किन वालों के लिए है, आई नो ये ड्राई स्किन वालों के लिए, ड्राई स्किन वाले इसको समर्स में बिल्कुल लगा सकते हैं। मैं इसे विंटर्स में यूज करती थी, मेरे लिए ये सबसे मेरा टॉप मोस्ट फेवरेट मॉइस्चराइजर है विंटर्स के लिए। मैं इसे विंटर में यूज करती थी और इसे मैं विंटर्स में फिर से रिपर्चेज करूंगी, ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। मैं इसे थोड़ा समर्स में नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा ज्यादा ग्रीसी समर में, मैं आपको बताती हूँ, समर में मैं इसका ही एक प्रोडक्ट है, इसका एक वो एलोवेरा करके है कुछ, वो वाला एडिशन मैं इसको समर में लगाती हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी। सो वो जो है उसका सेंट डिवेंस का, उसको मैं अभी इस समय समर्स में बिल्कुल यूज कर रही हूँ मॉइस्चराइजर, और ये मैं विंटर में यूज करती थी। नेक्स्ट जो मेरा प्रोडक्ट है वो है बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा बायोफ्रूट वाइटनिंग लिप बाम, टॉप फेवरेट लिप बाम। ये लिप बाम बहुत ज्यादा मेरा फेवरेट लिप बाम है, बिकॉज ये जो लिप बाम है आप देख सकते हो पूरा फिनिश कर चुकी हूँ,
और इसे मैं रीपरचेज बिल्कुल करूंगी, रीपरचेज 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 एंड रीपरचेज, मतलब इसको मैं हमेशा रीपरचेज करूंगी क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे लिप बाम। मैंने कई सारे लिप बाम ट्राई किए हैं, मुझे थोड़े से मतलब इससे ज़्यादा कोई भी लिप बाम मुझे पसंद नहीं आया। इसे मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ। अगर आपके लिप्स पे पिगमेंटेशन है तो ये उसको भी हटाता है, रिमूव करता है, धीरे धीरे करता है बट करता है। सो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये एक आयुर्वेदिक है और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हैं। बस इसमें वो नहीं है, SPF नहीं है। सो जैसे SPF 20, SPF 30 आजकल लिप बाम में होते हैं जो डे टाइम में यूज कर सकते हैं, बस इसमें वो नहीं है। बाकी ये लिप बाम बहुत अच्छा है। नेक्स्ट जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो है बायोटिक एडवांस हनी जेल रिफ्रेशिंग फोमिंग फेस क्लेंजर है। ये भी बायोटिक है, बायोटिक से बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये ड्राई स्किन वालों ये समर्स में यूज कर सकते हैं क्योंकि ये हनी जेल है और ये आपके स्किन को हाइड्रेट मतलब हाइड्रेटेड रखता है और बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देता है। सो इसको सभी ऑल स्किन टाइप्स यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट ड्राई स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं। इसको मैंने रिपर्चेज नहीं किया है, इधर तो नहीं किया क्योंकि मुझे काफी सारे ऐसे फेस वॉशेस हैं जो मैं अभी यूज कर रही हूँ और मुझे अभी इसकी कोई नीड नहीं है। सो नेक्स्ट जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो है यस, ये है मैककेफेन अपलिफ्ट ट्रांस कैफीन फेस क्रीम विद आर्गन ऑयल एंड वाइटामिन ई। ये इसकी आउटर पैकेजिंग है, ये इसकी एंड ये इसकी इनर पैकेजिंग है। ये ग्लास बॉटल में आता है, इसकी 50 ml क्वांटिटी है एंड आप देख सकते हो फिनिश कर चुकी हूँ। और ये मेरा फर्स्ट नहीं है, आई थिंक ये मेरा सेकंड परचेज था। इसे मैं एज अ विंटर विंटर में फेस मॉइस्चराइजर यूज करती थी, मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन मैंने तब से इसे काफी दिन से रिपर्चेज नहीं किया है क्योंकि मैं थोड़े दूसरे मॉइस्चराइजर ट्राई कर रही हूँ समर्स में। सो इसको मैं विंटर्स में डेफिनेटली रिपर्चेज करूंगी। बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर का काम करता है, क्रुएल्टी फ्री है और पैराबेन फ्री है, अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। यस, ड्राई स्किन वाले इसको समर्स में भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत बिल्कुल भी लाइट लाइट होता है, बिल्कुल भी ग्रीसी फील नहीं कराता है, डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो है ये भी मैककेफीन से है, सिल्वर कैफीन ग्लो जेल विद एलोवेरा। ये भी 50 ml की क्वांटिटी है एंड ये इसकी आउटर पैकेजिंग है। एंड ये इसकी सेम है जैसे डे क्रीम थी वैसे ये जेल है, सिल्वर कैफीन जेल, और आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी लाइक बिल्कुल एलोवेरा जेल की तरह थी, एकदम ट्रांसपेरेंट जेल था। इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस थी और इसको मैं यूज करती, ये एक सूदिंग इफेक्ट देती थी, मतलब इसे कूलिंग इफेक्ट देता था आपके फेस पे। अगर आप इसको समर्स में भी लगाते हो नाइट टाइम में, बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा फील आता था। और इसे मैं एज अ प्राइमर भी यूज करती थी और डे टाइम में भी यूज कर लेती थी, मतलब ये बिल्कुल द मल्टी टास्किंग प्रोडक्ट है, आप इसको बिल्कुल डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो है मेरा यस बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा बायो पपाया विजिबली एजलेस स्क्रब ऑल स्किन टाइप्स, टॉप मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट। आप लोग अगर मेरी पहली रीसेंट की वीडियोस अगर आपने देखा होगा तो मैंने उसमें अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स शेयर किए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं, उसमें ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। इसको मैं कई बार परचेज कर चुकी हूँ, रीपरचेज कर चुकी हूँ और इसे मैं आगे फ्यूचर में भी रीपरचेज करती रहूंगी। इसे मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ, बिल्कुल सुपर डुपर प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और मैंने सबसे बड़ा पैक ही खरीदती हूँ हमेशा, इसका कोई भी छोटा पैक नहीं खरीदती। सो आपको पता होगा कि मुझे ये कितना ज्यादा पसंद है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। इसका मैंने इंडिविजुअल रिव्यू नहीं किया, अगर आप चाहते हो कि मैं इसका इंडिविजुअल रिव्यू करूं तो आप मुझे बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो भी बायोटिक से है,
बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा बायोसंडल वुड 50+ SPF UVA UVB सनस्क्रीन अल्ट्रा सूदिंग फेस लोशन फॉर ऑल स्किन टाइप्स वेरी वाटर रेजिस्टेंस। इसको मैं बता दूं, इसको मैं रिपर्चेज कर चुकी हूं, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, ये मेरा पूरा फिनिश हो चुका है, जिसकी वजह से मैं एक दो दिन भी रह नहीं पा रही हूँ गाइज, मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि ये से मैं फेस पे यूज नहीं करती हूँ। सनस्क्रीन मतलब समर्स आ चुके हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है, समर हो या विंटर हो हमें सनस्क्रीन की जरूरत हमेशा होती है, लेकिन समर्स में कुछ ज्यादा होती है, और ये से मैं अपने हैंड्स में एंड लेग्स में यूज करती हूँ और फेस पे यूज नहीं करती हूँ क्योंकि हल्की सी ग्रीसी है, बट मैं इसे, ये मेरा एसेंशियल प्रोडक्ट है डेली का, और इसे मैं आपको रेकमेंड करती हूँ क्योंकि हमें अपने फेस की ही नहीं, हमें अपने हैंड्स और लेग्स की भी पूरी ही केयर करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके हैंड्स और लेग्स का कलर कुछ और आपके फेस का कलर कुछ और हो जाए। सो आप जरूर इसको ट्राई करें, इसे मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ, बहुत अच्छी सनस्क्रीन है बायोटिक बायोसंडलवुड। ओके, नेक्स्ट जो मेरे पास प्रोडक्ट है उसको तो आप देख लोगे तो बस लाइक ये मैंने क्या हाल किया है इसका। ये मेरी फेवरेट सनस्क्रीन है, ये है न्यूट्रोजना अल्ट्रा शियर SPF 50+ अल्ट्रा लाइट क्लीन फील। ये बहुत अच्छी सनस्क्रीन है, मेरी फेवरेट सनस्क्रीन है, वाइट कास्ट बिल्कुल नहीं देती है, हल्की सी बहुत ही लिटिल बिट हल्की सी ग्रीसीनेस होती है, बस बहुत ज्यादा नहीं। वैसे तो ये अल्ट्रा ड्राई टच ही है, ड्राई टच इसमें लिखा हुआ है, पर मुझे ऐसा फील होता है समर में, जैसे समर में सबको लगता है जैसे स्वेटिंग हो जाती है तो थोड़ा सा हमें ग्रीसीनेस फील होता है। ये देखिए मैंने इसका फुल पैक भी है मेरे पास, और मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये पूरा मैंने इसलिए इसको कितनी बुरी तरीके से मैंने इसको यूज किया हुआ है। सो इसको तो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ, आप लोग इसको बिल्कुल ट्राई कीजिए, और बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देती है सन से, हाईली रिकमेंडेड। नेक्स्ट प्रोडक्ट है जो मेरा वो है ये गुड वाइब्स का रोज हिप रेडियंट ग्लो फेस सीरम। ये इसका मैंने इंडिविजुअल रिव्यू किया हुआ है, अगर आप लोगों ने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी वीडियो का, आप चेकआउट कर लेना, बहुत अच्छा फेस सीरम है, बाकी आप वीडियो में जाके देख लीजिएगा। ये देख लीजिए मेरा पूरा बॉटल एम्प्टी हो चुका है, और मेरे पास न्यू भी रखा हुआ है। और नेक्स्ट जो मेरे पास जो मैं आपको प्रोडक्ट शेयर करना चाहती हूँ वो है लैक्मे सन एक्सपर्ट SPF 24 UVA UVB UV लोशन लाइट फील। अब बात आती है इसको मैं रिपर्चेज करूंगी या नहीं करूंगी। सबसे पहले तो इसका हम प्राइस देखते हैं, 190 रुपीज। ओके, 190 रुपीज, एंड इसका SPF 24 है, तो 24 SPF गाइज मैं बिल्कुल यूज नहीं करती हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है 40 के अबव हमें सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए, 45, 40, 50, 60, बट 24 SPF बिल्कुल भी यूज नहीं करनी चाहिए। हाँ, यूज कर सकते हैं भाई, बने अगर ये लॉन्च हुआ है, बना है, तो यूज तो होगा ही, बट ये कम प्रोटेक्शन देता है, इसलिए मुझे ये सनस्क्रीन नहीं पसंद है, और इसको मैं डेफिनेटली रिपर्चेज नहीं करूंगी। सो नेक्स्ट जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो है डाबर गुलाबरी प्रीमियम रोज वाटर डेली ग्लो। ये तो रोज वाटर है डाबर गुलाबरी का, इसे कौन नहीं जानता है। अब ये देखिए पूरा फिनिश हो चुका है, इसको मैंने किस किस तरीके से फिनिश किया है मैं आपको क्या बताऊं। इसके जो मैंने इंग्रेडिएंट्स पढ़े ना गाइस, तो इसमें आई थिंक कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने यूज नहीं किया, मतलब यूज किया बट मेरा रिपर्चेज करने का मन नहीं किया। आई थिंक नहीं, इसमें नहीं है एक्वा फ्रेग्रेंस, रोज ऑयल, सोडियम, ओके यस गाइस इसमें नहीं है, आई थिंक वो क्लेंजर में था, गुलाबरी क्लेंजर इसका एक आता है उसमें था शायद, मुझे वो याद आ गया। सो लेकिन इसको मैं रिपर्चेज वाकई में नहीं करूँ, क्योंकि मैं ये रोज वाटर मैं यूज नहीं करती हूँ, मैं दूसरे रोज वाटर यूज करना ज्यादा पसंद करती हूँ। आप अगर आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो, अच्छा रोज वाटर है, पहली बात अफोर्डेबल है, इसलिए आप अफोर्डेबल अगर जाना चाहते हो तो इस पे जा सकते हो, रोज वाटर अच्छा है, बट मुझे पता नहीं क्यों, मुझे पर्सनली मुझे नहीं मन करता इसको रिपर्चेज करने का। ओके, एंड नेक्स्ट जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो है अगेन मैक कैफिन से
सनस्क्रीन विद आर्गन ऑयल एंड कैलेंडुला एंड SPF 30। अब देख लीजिए पूरी फिनिश हो चुकी है, बहुत हल्की सी बॉटम में है बट ये नहीं निकल रही है यार। मैं इसको बता देती हूँ, मैं इसको रिपर्चेज इसको भी नहीं करूंगी, वही सेम मेरा रीजन है कि ये 30 SPF में है, मुझे नहीं पसंद है। ये मैंने परचेज कर लिया था, काफी महंगी है गाइज, ये इतने में तो हमें 60 SPF 50 SPF तक हमें मिल सकता है, और इसकी 150 ml की क्वांटिटी है एंड जो इसका MRP आई थिंक काफी ज्यादा है इसकी 500 कुछ की, और अगर आप इसे काफी अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे भी मिलती है तब भी 400 समथिंग की कुछ की मिलेगी। सो इसे मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी अपनी तरफ से, बाकी आप लोगों की मर्जी है, आपको अगर पसंद है तो आप ट्राई कर सकते हो, बट मुझे पर्सनली मुझे नहीं पसंद है तो इसे मैं रिपर्चेज नहीं करूंगी। ओके, नेक्स्ट जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो है ये, वही है गाइस जो मैंने अभी आपको ये दिखाया था मॉइस्चराइजर, ये इसका छोटा पैक है, मैं आपको दिखाने के लिए ही मैंने रखा हुआ था कि ये भी मैं एमपीटी कर चुकी हूँ। मेरा बहुत ही फेवरेट है, सैंड इवेंस के प्रोडक्ट मेरे फेवरेट हैं, मुझे काफी पसंद आते हैं, मुझे इसकी फ्रेग्रेंस काफी पसंद है और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो है एल्प गुडनेस का ये बॉडी वॉश है, कोकोनट ऑयल सॉफ्टनिंग वाटर, 200 ml की क्वांटिटी है, और देन ये पूरा फिनिश कर चुकी हूँ मैं। अच्छा है, अफोर्डेबल बॉडी वॉश है, अच्छा बॉडी वॉश है, मैं इसे यूज करती हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फोम करता है, लेदर करता है, क्लीन करता है, बहुत अच्छा बॉडी वॉश है। इसे मैं रीपर्चेज करने का बिल्कुल सोचूंगी और इसे मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा चार्जर है और अफोर्डेबल साइट के हैं इसलिए इसको मैं आपको कह सकती हूँ कि आप इसे यूज कर सकते हो। ओके, सो ये थे मेरे प्रोडक्ट जिन्हें मैं एमपीटी कर चुकी हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको बताती हूँ कि इसमें से मैं क्या रिपर्चेज करूंगी और क्या मैं रिपर्चेज नहीं करूंगी। सो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्लीज हिट कर दीजिएगा। और मैं आपसे क्या कहूँ, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।